हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक हो। सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में आप लोगों को मैं ये सोल्डरिंग आयरन दिखाया था और फ्रेंड्स ये सोल्डरिंग आयरन काफी ज्यादा हीट हो जाता है और सोल्डरिंग के लिए फ्रेंड्स ज्यादा हीट हो जाए वो भी दिक्कत है, कम हीट हो वो भी दिक्कत है, तो करे क्या हम। सो इसके लिए हम ऐसा एक कंट्रोलर बना सकते हैं फ्रेंड्स, जिसकी सहायता से आप इस सोल्डरिंग आयरन की टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाओगे और परफेक्ट एक हीट ले पाओगे। और इसको फ्रेंड्स आप इलेक्ट्रिक वायर के लिए भी यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रिक सप्लाई देने के लिए, ठीक है। सो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर से देखिएगा। मेरा नाम है फिरोज, आप लोग देख रहे हो रियल इलेक्ट्रॉन। चलिए फ्रेंड्स हमारी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोगों को चाहिए होगा एक फैन रेगुलेटर, जिसकी सहायता से सोल्डरिंग आयरन की टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाएंगे। उसके बाद हमको चाहिए होगा एक 2-पिन एसी सॉकेट, ऐसा एक एसी सॉकेट ले लीजिएगा। उसके बाद आपको एक एलईडी लेना पड़ेगा और एलईडी की किसी भी एक पॉइंट पर एक 100 kΩ का रजिस्टर सोल्डर कर देना है ताकि हम इसको डायरेक्ट करंट पर चला पाएँ। और उसके बाद आपको 2 पीस डायोड चाहिए होगा। आप यहाँ पर किसी भी नंबर का डायोड यूज़ कर सकते हो, लेकिन थोड़ी बड़ा यूज़ करने की कोशिश करना तो ये लाइफ टाइम चलेगा, ख़राब नहीं होगा। और डायोड यूज़ करने से एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट हो जाता है और ये अर्थिंग नहीं करता है। हमारा जो सोल्डरिंग आयरन है वो अर्थिंग करता है, कभी कभार शॉक करता है, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए होगा एक एसी जैक, ठीक है। और इसका बॉडी बनाने के लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर पीवीसी पाइप का शीट यूज कर रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर जो 1 स्विच बोर्ड आता है उसको भी यूज कर सकते हो, ओके। सो हमारा जो कंपोनेंट है उसको शीट के ऊपर बिठा लूँगा अच्छी तरीके से, सॉकेट, रेगुलेटर, एलईडी। ओके फ्रेंड्स, देख सकते हो मैंने सब कुछ लगा लिया। उसके बाद आपको 2 डायोड को ले लेना है और डायोड को देखिए, पहली डायोड की जो ब्लैक कलर पॉइंट है उसको सॉकेट की एक पॉइंट पर लगा लेना है, ब्लैक कलर का देखिए मैंने लगा लिया 1 पीस। और दूसरी डायोड की जो सिल्वर कलर का पॉइंट है, देख सकते हो सिल्वर कलर का पॉइंट, इसको लगा लेना है इस पॉइंट पर, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर टाइप का बना लेना है ताकि एसी वोल्ट यहाँ से डीसी होके निकले, ओके। आपको ऐसे डायोड को सोल्डर कर लेना है। अब फ्रेंड्स हमारा जो एलईडी का 2 तार है, इन दोनों तार को हमको इस डायोड की दोनों तार पर सोल्डर कर लेना है। सो मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, मैंने सोल्डरिंग कर लिया, आपको भी ऐसे ही सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा जो रेगुलेटर का 2 तार है, एक तार को डायोड की इस पॉइंट पर सोल्डर करना पड़ेगा, तो मैं सोल्डर कर देता हूँ। देख सकते हो मैंने सोल्डर कर लिया। उसके बाद आपको एसी जैक को ले लेना पड़ेगा और इसका पावर देखिए, इसका जो 2 तार है, एक तार को हमको रेगुलेटर पर सोल्डर करना पड़ेगा और दूसरी को डायोड की इस पॉइंट पर सोल्डर करना पड़ेगा। सो मैं सोल्डर कर दूंगा और उसके पहले एक हीटसिंक ट्यूब लगा लूँगा यहाँ पर ताकि तारों से तार शॉर्ट ना हो। आप यहाँ पर टेप का भी यूज़ कर सकते हो और दूसरे तार को डायोड पर सोल्डर कर दूँगा बिल्कुल इसी टाइप से, और हीटसिंक ट्यूब को भी यहाँ पर मैं लगा लूँगा ताकि तारों से ये शॉर्ट ना हो जाए। और धोरी और हीटसिंक ट्यूब को मैं कट कर लूँगा डायोड की पॉइंट पर लगाने के लिए। सो देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने इसको कंप्लीट कर लिया, आपको भी ऐसे ही इसको कंप्लीट कर लेना है। और इस जो एसी तार है इसको आपको शीट पर सुपर ग्लू से चिपका लेना है अच्छी तरीके से, मैंने चिपका लिया था। और इस बॉक्स को भी मैंने बना लिया था पीवीसी शीट से, इसको दिखाऊंगा तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं अब इसको सेट कर देता हूँ ऐसे। इसको फ्रेंड्स आपको सुपर ग्लू से एकदम अच्छी तरीके से सेट कर लेना है, तो मैं इसको सुपर ग्लू से अच्छी तरीके से सेट कर दूंगा। सो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा फाइनल लुक है। इसको मैंने अच्छी तरीके से चिपका के साइड को घिस लिया था, ओके। और ये देखिए फ्रेंड्स ये कट कट आवाज़ कर रहा है, तो ये पावर ऑन ऑफ कर रहा है, ठीक है। ऐसा रेगुलेटर आपको यूज़ करना है तो आप पावर ऑन ऑफ कर पाओगे यहाँ से। तो मैं इसको लाइन पर लगा देता हूँ 220 वोल्ट पर। और ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा इंडिकेट कर रहा है एलईडी। अब देखिए फ्रेंड्स
इसको पावर में चालू कर देता हूँ और एलईडी इंडिकेट कर रहा है कि पावर कम ज्यादा हो रहा है। और फ्रेंड्स इसको आप एसी प्लग की तौर पर भी यूज कर पाओगे। इसका जो रेगुलेटर है इसको फुल कर देना है और आपको ये एक बोट की तरफ भी यूज कर सकते हो। और इसको मैं फ्रेंड्स अब लगा देता हूँ हमारा जो सोल्डरिंग आयरन है इसको, तो मैं इसको पावर दे दिया और इसकी पावर भी एकदम फुल कर देना है। रेगुलेटर को फुल्ली पावर दे देना है, देख सकते हो एलईडी भी इंडिकेट कर रहा है। ओके, इसका पावर मैंने फुल कर दिया। और फ्रेंड्स इस रेगुलेटर की पावर को फुल करने के बाद भी पहले जब हम सोल्डर आयरन को एकदम डायरेक्ट करंट पर देते थे वैसा हीट हो जाता था, एकदम बहुत ज़्यादा हीट हो जाता था। वैसा भी हीट नहीं होगा, फिर भी इससे थोड़ी कम ही हीट होगा, ठीक है। और इसको मैंने फुल पावर में कर दिया और ये हीट भी हो चुका है एकदम। तो देखिए फ्रेंड्स लीड भी बहुत ही अच्छे तरीके से पिघल रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब जो इसका हीट है ये भी एकदम परफेक्ट रहेगा और ओवर हीट भी नहीं होगा, ठीक है। और ये जो हिस्सा है ये अब ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है। पहले जब मैं यूज़ करता था करीब 2 मिनट चलाने के बाद भी ये एकदम हीट हो जाता था 2 मिनट के बाद ही। और देखिए ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से पिघला रहा है एकदम सोल्डर को, और पीसीबी को भी ये ख़राब नहीं करेगा अब, देख सकते हो आप सोल्डर भी काफ़ी अच्छी तरीके से ये कर पा रहा है। और फ्रेंड्स थोड़ी देर के बाद इसका हीट काफ़ी अच्छा हो जाता है और काफ़ी अच्छी तरीके से सोल्डर भी मेल्ट होने लगता है, लेकिन ओवर हीट नहीं होता है। और जब ये फुल्ली हीट हो जाएगा सोल्डरिंग आयरन फुल्ली आप हीट कर लोगे कुछ देर बाद, तब इसका जो पावर है जस्ट थोड़ी सी कम कर देना है, ठीक है। रेगुलेटर को जस्ट थोड़ी सी कम कर देना है। यहाँ पर आप एकदम ज़्यादा कम कर दोगे या फिर मिड रेंज पर रख दोगे तो सोल्डर आयरन से आप मेल्ट नहीं करा सकते हो कुछ भी, वैसा हीट होगा। सो आपको इसको फुल्ली कर देना है और जस्ट थोड़ी सी पावर को कम कर देना है लास्ट में, ठीक है। तो ये एकदम परफेक्टली हीट होगा। ओके, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों के वीडियो पसंद आया है। वही वीडियो पसंद आए तो वीडियो की लाइक बटन को ठोक दो। फ्रेंड्स कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।